सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। इस प्रकार फोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर से फेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को इस फोटो को फेस ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। फेस ऐप के अंदर ओपन करने बाद आप लोग को जिस फोटो को फेस को चेंज करना होगा उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको साइड में करना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को फाइंड सेलिब्रिटी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को किसी भी लेडीज़ का फ़ोटो चूज कर लेना होगा, जो कि मैं काजल अग्रवाल का फ़ोटो चूज कर लेना हूँ। उसके बाद यूज पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं फेस चेंज हो चुका है। उस थोड़ा सा बगल साइड वाले फेस पर भी चला गया। उसके बाद आप लोग को इस पर क्लिक करके उस फेस को ठीक कर लेना होगा। जो कि देख सकते हैं फेस ठीक हो गया है। इसके बाद आप लोग को सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोग को फोटो को सेव कर लेना होगा। फ़ोटो सेव करने के बाद आप लोग को अदर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को मिक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली डन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा। उसके बाद साइडों को बढ़ा देना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा। इसको थोड़ा सा माइनस कर देना होगा। इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देना होगा। इसको आप लोग को बढ़ा देना होगा। इसको भी आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर देना होगा। उसके बाद आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। जो कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो कितना अच्छा एडिट हो चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेंगे।